मार्च जिहड़ा कढ़िया गया मौजूदा पंजाब जिहड़ी सरकार हैगी आ हमेशा ही जिहड़ा दलित समाज मूल निवासी समाज के नाल धक्केशाही हुंदी आ रही है। कालजा दे विच जिहड़ी मैट्रिक स्कॉलरशिप हैगी आ सही ढंग नाल लागू नहीं हो रही। पिछली जिहड़ी सरकारां सीगियां ओह भी नशे के खिलाफ सौहां खा के चली गई भी नशा जिहड़ा हैगा गुटका साहब की सौहां खा के कांग्रेस के मंत्री ने कांग्रेस के मिनिस्टरों ने सौहां खादियां भी असीं नशे नूं खत्म करांगे। नशा इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ा पंज दरियावां दा नाम पंजाब दा हुंदा सी छेवां दरिया जिहड़ा हैगा वह नशे का वगन डिया वह हाले तक उहदे ते नस नहीं पाई गई। दूसरी गल कुड़ियां दा जिहड़ा शगन स्कीम लागू की जाती थी वह भी एक सरासर धोखा आ। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लैके जमा कर ले जाते उदों तक न्याणिया के कुड़ियों के बच्चे हो जाते उन्होंने जी शगन स्कीम की जी राशि हैगी लागू नहीं की जाती। 85वें सोच जी संविधान के हाले तक लागू नहीं हुई वोद भी उन्होंने जोड़ा है संविधान के नाल छेड़खानी करके हाले तक जी सोध हैगी लागू नहीं की गई। होर भी जोड़े साढ़े मसले आ लतीफपुरे के जोड़ा कांड किया उन्होंने 70 साल तो लोग उत्थे रेंदे हुए उन्होंने बेघर करके रख दिता। पंजाब सरकार ने गरीब मारू सरकार ने महंगाई की गल कर लीए तो अज के टाइम तो तुम देख सकते हैं कि एक गरीब आदमी भावें 500 रुपया दिहाड़ी करता हो बंदा वो जी रोटी खानी जी दुश्मन हो गई है। इस कदर महंगाई ने अपना जी चादर बुलाई हुई है ये खिलाफ सरकारों अज चेतावनी देने आए हैं रोस मार्च कट के उन्होंने तक अपनी गल बचा आए हैं कि जड़िया साड़िया मंगा है पूरिया की डीसी साहब को मंग पत्र दिता जाएगा राज्यपाल के नाम मंग पत्र थ्रू टू डीसी साहब दिता जाएगा। जय भीम जय भारत। अज का जो रोस मार्च जलंधर में संविधान चौंक तो डीसी ऑफिस तक कढ़िया गया सरकारां नूं यही बेनती की गई है कि जो अज जो महंगाई सर तो टपदी जा रही है वो ते भी थोड़ा ध्यान दिता जाए तो नाल ही जिहड़ी बच्चों की मैट्रिक स्कॉलरशिप है उन्होंने सही ढंग के नाल लागू किया जाए तो जो प्राइवेट दायरे हैं वो भी जोड़े प्राइवेट दायरे खत्म करके उन्होंने सरकारी दायरे के लियाया जाए। इन्ना ही कहते हुए जय भीम जय भारत। अज का रोस मार्च जो कि सुखिया हुई सरकारों जगाने वास्ते कढ़िया जा रहा वा ये क्योंकि 8500 अज तक लागू नहीं की गई ईवीएम मशीन जी बैन नहीं किया गया इन्हां सारिया महंगाई ने लक तोड़ दिता वा नशे का पंजवां दरिया वग रहा वा इन्हां सारिया मुद्दों लैके अज भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा वालों एक रोस मार्च जो कढ़िया जा रहा वा वो डीसी दफ्तर तक जाऊगा संविधान चौंक तो लैके डीसी दफ्तर तक जाऊगा तो जेकर साड़िया मंगा ना मनिया गई तो यह संघर्ष होर तेज किया जाऊगा। इन्हां कहते हुए जय भीम जय भारत। ईवीएम मशीन को बंद करवाना है भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा वालों ईवीएम मशीन को बंद करवाना है।
एक मिनट शर्मनाक है। और इन चीज़ों के उत्ते कोई भी पार्टी होवे चाहे ये ते नक पैने चाहिए है, कोई भी पार्टी जी सिर्फ झूठ के सिर के उत्ते और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कोई इदा दिन प्लैनिंग्स लैके आ। मैं समझना ये पंजाबीयत बहुत व्डा खतरे की घंटी हैगी, जी मुफ्तखोरी हैगी है, ये बंद होनी चाहिए है। और जो कहन एटलीस्ट वो किया जाना चाहिए, सरकार चाहे जी मर्जी होकर लोग चुनते हैं, लोगों सरकार नहीं चुनती, तो लोगों की प्रायोरिटी जी सरकार रखूगी। मैं समझता उन्होंने फिर कहन सुन की बहुत ही ज्यादा लड़ नहीं। मेरे नाल मेरी भैन खड़ी है और बहुत वही गिनती के औरतं भी खड़ी, जो एक एक हज़ार रुपया देने की इन्होंने गल की थी, कोई अज तक सिर्फ और सिर्फ घोषणा ही रह गई है। तो यह मान सरकार ये मैं समझदा कि संजीदगी विचार करके जोड़े वादे किए उन्होंने फुलफिल किया जाना चाहिए। लतीफपुरे के मसले के उत्ते कुछ की कहोगे? लतीफपुरे वाला जो मसला देखो, मैं समझता एक इंसानियत में शर्मसार करने वाला मसला, इन्नी ठंड के बच्चे जो असी अपने घर रजाइया बैठे हाँ बिस्तरिया बैठे हाँ, तो वो लोग जोड़े जहाँ के सिरों के उत्ते छत 70 साल तो जोड़े उत्तर लोग रह रहे थे, एड्डी वीड्डी तशद्द करके उन्होंने घरों बेघर कर दिया गया। और सिर्फ सारिया ही पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की गल नहीं करना, जितनिया भी पार्टियां उत्थे गई सारिया पार्टियां सिर्फ जाके कोरी संवेदना प्रकट करके आ रहे हैं, हल वाल कोई नहीं जा रहा। तो मेरी बेनती यह हैगी भी कोरी उत्ते सियासत ना करके लोगों का जोड़ा बनता हक है उन्होंने मिलना चाहिए। और मान सरकार की यह वीड्डी जिम्मेवारी फिक्स होंगी है, क्योंकि उन्होंने ये डिमोलिश किया है अनिल जी थोड़ा ब्रीफ कर दो। सर अज का जो रोस मार्च कढ़िया गया ना, अच्छा रोस मार्च ये बेनती की लगातार वोटिंग करके बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, भी ऐस की ईवीएम जिहड़ियां मशीनां लाइया जाए वो लगातार घोटाला हो रहा पिछले कई साल। असी दरखास्त करते भी हूँ जिहड़ियां अगे आने वाली चोणां हैगियां वो बैलट पेपर के नाल कराई। दूसरा साडा सीगा मैट्रिक स्कॉलरशिप का, कि जो स्टूडेंट्स वर्ग हैगा वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर जिन्नी भी सरकार आ रही हर बार उन्होंने धक्के लाए होंगे, कभी पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं, कभी सही ढंग के नाल उन्होंने फीसा नहीं पाई जाती जिद करके उन्होंने डिग्रियां रखी जाए। तो दूसरी मंग साड़ी यह सी, तीसरा सीगा साडा सरकारी अदारिया जी ठेकेदारी प्रथा हैगी है उन्होंने बंद किया जाए, क्योंकि मान सरकार के नाल पिछले अप्रोक्स 3 महीने पहले साड़ी मीटिंग हुई थी मेरी चंडीगढ़ के, तो उदो मान सरकार ने कहा सीगा भी जिन्हें भी बंदे हैगे है वो पक्के कर दिए जाण, उन्हां दीआं प्रॉब्लमां नूं चंगी तरह जाणूंगा कि 18 to 19,000 रुपया उन्हां दी पे जिहड़ी पवांदे आ, तो इत्थे आके उन्हां नूं 10 to 12,000 रुपया वो भी 3 महीने बाद दिता जाता। तो उन्होंने अज उस गल नूं भी 3 to 4 महीने हो चुके हैगे आ, तो कोई भी उस गल ते इंप्लीमेंट नहीं होया, तो जिहड़े कच्चे सीगे वो अज भी कच्चे ने, तो इस करके बेनती की जाती है। तीसरा सीगा लतीफपुरे के जिहड़े वसनीक सीगे उन्होंने नाल इहो जी कहर दी ठंड दे विच धक्का हो रहा, तो मान सरकार नाल लगातार हर जथेबंदी बेनती कर चुकी है भी उन्हों का जल्द जिहड़ा हैगा उन्हों का हल कढ के दिता जाए। हाँ जी, चौथा सीगा साडा जिहड़ा गरीब कुड़ियां दे नाल उन्हां नूं शगन स्कीम दित्ती जांदी सी, शगन स्कीम देण दे घट्टो घट्ट जिहड़ा हैगा
वो गल कर लीए भी जो ब्याह तो दो साल बीत जाते हैं तभी उन्होंने जी शगन राशि हैगी कुड़ियों के कोल नहीं पहुँचती तो गरीब तबके सारा समझा दी।